कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम हटके रेसिपी, और वो भी ऐसी चीज की जिसको आप जनरली फेंक देते हैं लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि वो कितनी हेल्दी है और कितनी आयरन से भरपूर है। वो है कच्चे केले के छिलके की चटनी। बंगाल और बिहार की बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है ये, बहुत पसंद की जाती है और इतनी हिट रेसिपी है, चाहे सैंडविच हो, चाहे आपका पराठा हो, पूड़ी हो या चावल, सभी चीजों के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। स्पेशल कच्चे केले की हेल्दी और स्वादिष्ट चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं कच्चे केले के ऊपर के छिलके यानी पील। कच्चा केला बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट भी होता है और कच्चे केले से आप बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जब हम केले की कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं तो अंदर के पल्प को हम यूज कर लेते हैं और बाकी छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन इस चटनी में आपको अंदर के गूदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ लेने हैं उसके छिलके जिन्हें आप फेंकने वाले थे। छिलकों को पानी से आप इस प्रकार से अच्छी तरीके से धो लें और जो भी इसके ऊपर का डंठल वाला हिस्सा है वो अलग कर देंगे और नीचे का अलग कर देंगे, और जो इसके बीच का गूदा था उससे आप कोई भी सब्जी, कटलेट, पकौड़े या मन चाहे आप कोफ्ते वगैरह की सब्जी बना सकते हैं। और कच्चे केले के फ्रेंच फ्राइज, बनाना चिप्स, इन सभी की रेसिपी मैंने शेयर भी की हुई है। यहाँ मैंने दो कच्चे केले लिए थे और उनके छिलकों को इस तरह से काट लिया है, ये देखिए। अब हमें केले के छिलकों को पकाना होगा। कच्चे केले के छिलके उबालने के लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन चढ़ाएं, गैस ऑन करेंगे और पैन में हम डालेंगे लगभग 1.5 ग्लास के करीब पानी। पानी को गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें हम सारे केले के छिलके डाल देंगे और इन्हें तब तक पका लेंगे कि जब तक ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। मैं पैन में उबाल रही हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता, यूं ही उबल जाते हैं। आप चाहे तो एक सीटी भी ले सकते हैं, केले के छिलके डाल करके कुकर में एक सीटी ले लें, इस तरह से भी उबाल सकते हैं। इस पर हम लगा देंगे लिड। मात्र तीन चार मिनट में ही केले के छिलके उबल जाते हैं, ये देखिए। आप एक नाइफ से इस तरह प्रेस कीजिए, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। इसका मतलब अब केले के छिलके पक चुके हैं। गैस को ऑफ करते हैं, पानी सारा छान देंगे। एक छलनी से मैंने पानी पूरा छान दिया है। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब हम इसको पीसेंगे। तो छिलके हो गए हैं हमारे ठंडे। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में सारे छिलके डाल देंगे। अब ग्राइंडिंग जार में साथ ही हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मैंने लिया है एक छोटी चम्मच। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 5 से 6 लहसुन की कलियां, जो इसको देगी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, सबसे जरूरी चीज इस चटनी के लिए। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप हींग का इस्तेमाल करें। साथ ही हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 पिंच में डाल रही हूँ हल्दी, जिससे कि इसमें बढ़िया सा कलर आ जाए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम अच्छी तरीके से बिल्कुल फाइन पेस्ट चटनी की तरह से पीस लेंगे, जरूरत होगी तभी आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करें। मैंने अच्छी तरीके से चटनी को पीस लिया है और ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर और टेक्सचर आया है। पीसते वक्त जब आपको महसूस हो कि थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डाल दें और इस तरीके से बिल्कुल फाइन पेस्ट चटनी की तरह पीस लें। अब आप एक गैस पर पैन चढ़ाएं, गैस को ऑन करें, पैन को थोड़ा गर्म होने दें। जब पैन गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1.5 से 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, जो कि बहुत जरूरी है इस चटनी में। ट्रेडिशनली सरसों का तेल यूज होता है, आपको अगर नहीं पसंद है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तो मैं डाल दूंगी इसमें सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी। कलौंजी इस चटनी में जरूर पड़ती है। 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी डाल करके जब ये चटकने लगे तभी हम इसमें डाल देंगे 1 साबुत लाल मिर्च। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी चटनी, फ्लेम को थोड़ा लो रखेंगे जिससे कोई भी चीज जले नहीं। अब लो फ्लेम पर हम चटनी को लगभग 2 मिनट इस तरह से पकाएंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए और इसमें बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और टेस्ट इतना अच्छा है कि ये चटनी आपको बेहद पसंद आएगी। चाहे नाचोस से खाइए, चाहे आप मसाला सैंडविच पर लगाइए, चाहे पराठे के साथ एंजॉय कीजिए, और जनरली तो ये चावल के साथ खाई जाती है। बस इस तरीके से लो फ्लेम पर 2 मिनट पका लेंगे। अगर आपको ज्यादा गाढ़ी महसूस हो अपनी चटनी तो थोड़ा सा पानी डाल लें। बिल्कुल बढ़िया से हमारी चटनी पक गई है, कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है चटनी जैसी। गैस को ऑफ करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो ये लीजिए हमारी डिलीशियस, यमी और हेल्दी कच्चे केले की चटनी है बिल्कुल तैयार। ये देखिए मैं चटनी को आपको पास से दिखा रही हूँ, इसका टेक्सचर, इसका
कलर। कोई इस चटनी को देख के बोल नहीं सकता कि ये छिलके से बनी है। सच मानिए, इतनी स्वादिष्ट बनती है ये चटनी, तो आप कि इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। जरूर बनाइए और मुझे जरूर बताइए कि चटनी आपको कैसी लगी। इस चटनी को आप स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट बॉक्स में लगभग 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कच्चे केले के छिलके फेंक रहे हो तो बिल्कुल ना फेंकें, उससे बनाएं इतनी स्वादिष्ट और हेल्दी चटनी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।